तो लास्ट वीडियो में मैंने मित्रों ऐप के बारे में आपको बताया कि आप उससे पैसे कैसे कमा सकते हैं, आइडियाज पे कैसे बना सकते हैं। अब इस वीडियो में दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसमें आपको कंटेंट कैसे बनाना है, कैसी वीडियोस बनानी है, कैसी एडिटिंग करना है, तो ये सब आज इस आप वीडियो में जानने वाले हैं। और मैं आपको बताता हूं यहाँ के पास दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शन की बात करते हैं जो कि है आप डायरेक्टली ऐप से ही शूट करके अपलोड कर सकते हैं, और दूसरा है दोस्तों आप अपने नॉर्मल कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद ऐप के थ्रू उसको एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले चलिए दोस्तों हम लोग ऐप की बात कर लेते हैं कि ऐप में डायरेक्टली आप कैसे शूट करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल प्रतापगढ़ी यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोस मिस ना करने के लिए। तो अपलोड करने के लिए दोस्तों चलिए सबसे पहले चलते हैं अपने मित्रों ऐप की तरफ, जहां से हम इंस्टॉल कर लेंगे डायरेक्टली। तो अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि आपको आईडी बनानी पड़ेगी यहां पे प्रोफाइल्स पे जा करके। तो आप जैसा कि देख रहे हैं अभी यहां पे कोई भी नहीं अपलोड हुई है कोई भी वीडियो, तो हमें क्या करना है कि वीडियो अपलोड करना है। अब आपको अपलोड करने से पहले कुछ चीज़ें ध्यान में दे देनी है। मतलब यहाँ देखिए आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, यानी अगर आप इसमें से कुछ आपको अच्छा लगे तो आप उसको देख करके उसी तरह से शूट करके डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं पहला रॉकिंग स्टार्स है हैशटैग नाम से, उसके बाद फिर आपका दूसरा हैशटैग है राइजिंग टैलेंट का, फिर तीसरा है ग्रैंड फनी, उसके बाद आपका है ट्रेंडिंग। तो ट्रेंडिंग में आपको इतने सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो ये आइडिया आप अपना इसमें कुछ ऐड करके आप ऐसे कर सकते हैं, तो इससे आपकी वीडियोज़ जो भी हैं वो अच्छे जाएंगे और काफ़ी अच्छे से आपकी वीडियोज़ वायरल भी होंगी। अब यहाँ पे आपके पास दोस्तों देखिए ये अपलोड का ऑप्शन आता है जहाँ से आपको वीडियो शूट करनी है। तो ये कैमरा हमारा ऑन हो गया है। अब आपको क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे टैप करना है, ये जो आपको बटन दिख रही है, एक मिनट मैं आपको शो करता हूँ। सो आपको ऐसे टैप करना है, उसके पास अपलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहीं से आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करना है। अब दोस्तों बात आती है हमारे दूसरे मेथड की, यानी अब आप अपने डिफॉल्ट कैमरा ऐप से कैसे वीडियोस को शूट करेंगे, कैसे उसको किस ऐप में एडिट करेंगे, कहाँ एडिट करेंगे, कैसे एडिट करेंगे, उसके बाद उसको कैसे आप अपलोड करेंगे, तो इसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। हम दूसरे तरीके की आप कैसे अपडेट कर पाएंगे, कैसे अपलोड कर पाएंगे दूसरे वे से। तो एक तो आपको पता ही है कि आप यहां से सिंपली इसको कर सकते हैं, फिर दूसरा जो आपका दोस्तों मेथड है वो भी यहीं से शुरू होता है, आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको दोस्तों ये डायरेक्टली आपको शूट करना स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि आप डायरेक्टली आप शूट करेंगे तो अभी देखिए वैसे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन है सो शूट नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ से सिंपली अपलोड के ऑप्शन पे जाना है, जैसा कि आप मैं यहाँ पे अपलोड दबा देता हूँ। तो अब आप यहाँ देखिए मैंने कुछ वीडियोज़ शूट करके ऑलरेडी रखी हुई हैं, तो आपको जो है ध्यान देना है कि 18 यानी आपका जो है सिर्फ 18 सेकेंड तक की वीडियोज़ वही अपलोड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए मैं एक 12 सेकेंड की वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ प्लीज़ वेट आपके सामने नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखिए प्लीज़ वेट का ऑप्शन सेलेक्ट हो गया है, और अब फिर यहाँ से आपको देखिए दोस्तों एक और ऑप्शन मिलता है ऐड साउंड का। तो मैं ऐड साउंड पे अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए डिस्कवर यानी कई सारे आपके पास मिल जाएंगे, जैसे शाहरुख खान जी का है, वीर जारा, वाका वाका, देव डेस्टिंग, तो इतने सारे आपके पास डिस्कवर में सॉन्ग्स अभी अवेलेबल हैं। तो जैसे मैं इस सॉन्ग के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको फिर मैं ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ प्लीज़ वेट आ गया। तो देखिए यहाँ पे आपका सॉन्ग भी लग चुका है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने प्लीज़ वेट का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आपकी वीडियो जो है वो अब अगले स्टेज में जाएगी, उसके बाद आपकी वीडियो जो है अपलोड होना शुरू हो जाएगी। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि अभी जो है इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह देखने को मिल सकती हैं, जहाँ आपको वीडियोज़ वगैरह अपलोड करने में दिक्कतें हो रही होंगी, वीडियोज़ अब नहीं अपलोड हो रही हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि आप थोड़े दिन वेट कीजिए, आपको सिर्फ ऐसा ही करना है, आपको वीडियोज़ वगैरह यहीं से आपको डायरेक्टली कर लेना है। अगर आपने टिकटॉक कभी यूज़ किया हो तो आपको पता होगा कि उस पर कैसे होता है, तो उस तरह से आपको वीडियोज़ वगैरह दोस्तों शूट करने का मिल जाएगा, उसके बाद आप अपलोड करने का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। आपको बस थोड़े फिर बाद में हैशटैग वगैरह आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि दोस्तों ये जो ऐप है वो नया ऐप है, अब जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि ये उतना सही सर्वर का काम नहीं कर पा रहा है, और फिर अब देखिए उनकी टीम वगैरह बन जाती है तो वो इजीली आपको कई नए अपडेट्स के साथ फीचर अच्छे अच्छे प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि अभी मैं प्रोफाइल की बात करूँ तो मैंने पहले दिन जब खोला था तो मैं प्रोफाइल भी अपडेट नहीं हो रहा था। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक बात और कहता हूँ आपसे कि आपका जो कॉन्टेंट है वही किंग है। अगर आप कॉन्टेंट बहुत अच्छा बनाएंगे, इंगेजिंग कॉन्टेंट बनाएंगे और ज़्यादा ऑडियंस आपके कॉन्टेंट को पसंद करती है, उसके साथ साथ आपको वॉच टाइम भी बहुत बेहतरीन मिलता है। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने देखा कि टिकटॉक का क्या हाल हो गया ड्यू टू क्रिंज कंटेंट।
यही आपको इस पर नहीं करना है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए वीडियो बनाइए, एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो बनाइए, ऐसा कोई वीडियो बनाइए जो कि एक्चुअल में किसी की लाइफ में इन्वॉल्व हो, वो किसी की लाइफ को अच्छा बनाता हो, सुटेबल बनाता हो, वो किसी भी वे में हो, वो आप समझ सकते हैं कुकिंग हो गया, आपका कोई भी हो जो आपको समझ में आता हो, बट आपको सिर्फ यही देखना है कि किसी की भावनाओं को वो ठेस ना पहुंचाए, किसी को हर्ट ना करे और कोई ऐसा फिर हेट वगैरह ना फैलाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारे इंडियन ऐप है, इसको हमें साफ सुथरा रखना है और ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो इतना ही, आपको वीडियो पसंद आ गया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इस अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।